हम बात कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा की। आपने भी कहा कि कोई ऐसी जकड़न नहीं थी कि सीखना ही है या ध्रुपद ही करना है, लेकिन सीरियसली कहें या ये कहें कि विधिवत तालीम जब ये तय, एक तो हुआ कि अननोइंगली आप बहुत सारी चीजें सीखते चले गए, लेकिन जब ये तय हो गया, वो उम्र कौन सी थी जब तय हुआ कि हाँ आप सीखना है, इसको विधिवत अच्छी तरह से सीखना है, सिंसियरली सीखना है और उस डेडिकेशन से सीखना है जिसकी बात अभी पंडित जी कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। दरअसल क्या है कि हमारे पिताजी शुरू में हमें डॉक्टर बनना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि घर में एकाध कोई डॉक्टर होना चाहिए, तो हमको उन्होंने साइंस दिला दिया पिताजी ने। तो हमने 9th, 10th, 11th में साइंस किया, फिर कॉलेज भी गए तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हमने साइंस किया। बीएससी करने के बाद हमको ये समझ में आया कि डॉक्टरी अपने बस की नहीं, और ये बहुत अपने लिए, जैसे कहते हैं ना एक मुहावरा है दिल्ली दूरस्थ, तो वही हमारे लिए डॉक्टरी थी। लेकिन साइमल्टेनियसली हम लोग शाम को, जैसा मैंने बताया, हम लोग म्यूजिक कॉलेज जाते थे, शाम को रहता था, दोनों भाई जाते थे, और बीएससी के साथ ही मैंने बीम्यूज भी किया, बैचलर ऑफ म्यूजिक, वो मैंने मेरिट टॉप किया खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, मैंने प्रथम स्थान के साथ वो किया था। तो फिर ये समझ में आया कि अब संगीत ही अपना भविष्य है और संगीत में ही अपने को आगे बढ़ना है। तो फिर हमने वो बीएससी छोड़ दिया, एमए इकोनॉमिक्स कर लिया करने के लिए कि भाई एमए करना है चलो कर लेते हैं। तो हमने तुरंत 8 सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स से एमए किया, लेकिन अपना रियाज और बढ़ा दिया। हमारे जो वहाँ के जो गुरु थे, जिनका मैंने अभी नाम लिया शुरू में, पंडित रमाकांत दुबे, पंडित प्रमोद शास्त्री और मास्टर रामनारायण जीणा, ये हमको वहां पर प्रारंभिक तालीम दिए हैं उज्जैन में। तो उनके साथ हमारा और रियाज बढ़ गया, और फिर एक अपॉर्चुनिटी हमको तुरंत मिल गई। एमए जैसे ही किया तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि गुरु शिष्य परंपरा से ध्रुपद सीखने के लिए यहाँ पर ध्रुपद केंद्र खुला, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया, फिर हम दोनों भाई यहाँ आ गए। और ये सीखने की ललक कि यार ध्रुपद करना है, इसकी अपॉर्चुनिटी हम देख ही रहे थे कि हमको, क्योंकि जब हमने एमए किया तो एमए करने में क्या होता है, हर तरीके का थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट में आपको थोड़ी थोड़ी सारी विधाएं होती है, भजन भी गाना होता है, ठुमरी भी होती है, ध्रुपद भी होता है, ख्याल भी होता है, सारी चीजें होती है, तो तराना भी होता है, टप्पा भी होता है। तो जब हम एमए कर रहे थे तब हमको लगा कि ध्रुपद हमारे यहाँ की इतनी प्राचीन और इतनी अच्छी विधा है, तो अगर मौका मिले तो अपन जरूर सीखेंगे। और बस ये समझ लीजिए कि हमारे भाग्य से यहाँ पर ध्रुपद केंद्र खुला, हम लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया और हमारा सिलेक्शन हो गया, फिर हम लोग यहाँ भोपाल आ गए। अनंत, आपसे भी जानना चाहूंगा, आपने तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि ये हमने तुरंत बीएससी करने के बाद ये बात डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक ही हमारा भविष्य। अनंत, आपसे भी यही सवाल है कि आपने किस उम्र में तय किया कि अब ध्रुपद ही करना है? वैसे तो बचपन से सुनते हुए आया था मैं, और हर समय अच्छा ही लगता था, मगर ऐसा सीखना है ये बचपन से सोचा नहीं था। या फिर मेरे ख्याल से कहेंगे थोड़ा सा टीनेजर का एक पीरियड होता है जब थोड़ा सा रिबेल करता है अपने आप मन के, अगर घर में ध्रुपद है तो ध्रुपद से कुछ विपरीत चले जाए, मगर भगवान की दया रही कि सही टाइम पे मुझे सद्बुद्धि आ गई और मैं उसको वापस से अप्रिशिएट करने लगा। और मेरे ख्याल से जब मैंने सोचा कि भविष्य में क्या करना चाहिए स्कूल में, तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि जो भी चीज उठा रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बन रही थी। कि कुछ समय तक अच्छा लग रहा है, कोई गाना भी सुनते थे उस टाइम पे तो 10 बार सुना, 50 बार सुना, फिर बोर होने लगे, तो किसी भी चीज में वो आनंद बना नहीं रह रहा था। और उसी समय ये रियलाइज हुआ कि बचपन से वो एक ही राग सुनते हुए आए हैं बार बार,
वो आज भी सुनने में बोर नहीं लग रहा है। और फिर धीरे धीरे उसके बारे में और सोचना चालू किया, तो मेरे ख्याल से 11th 12th जब तक स्कूल खत्म होने वाला था और सब आसपास के लोग कोई विदेश जाना चाहता है कॉलेज पढ़ने, कोई कुछ करना चाहता है, तो मैंने सोचा कि ये जो मुझे करना है उसके लिए मेरे यहीं पर घर के अंदर ही वो साधन है मेरे पास। और फिर मैंने उनसे पापा लोगों से डिस्कस किया इस बारे में, उन्होंने बोला कि बस बढ़िया, और पता भी नहीं चला कब तालीम चालू हो गई और बस आज तक वही चली रही है। अच्छा पंडित जी एक चीज और बताइए, मैं ध्रुपद के जितने भी कलाकारों को जानता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात होती है और जितने भी कार्यक्रम मैंने अटेंड किए हैं, आपसे एक सीनियर आर्टिस्ट के तौर पे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा जो संगीत प्रेमी लोग हैं, जो संगीत सुनने वाले लोग हैं, उनमें अब इतना पेशेंस नहीं है कि वो 2 घंटे 2.5 घंटा बैठ के एक राग सुनेंगे, वो अब बहुत क्विक चीजें होने लगी हैं, तो कैसे ध्रुपद का जो विस्तार है, जिस विस्तार से वो गाया जाता है, वो बचाने की जरूरत है या उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, मतलब कैसे देखते हैं आप इसको, क्या पेशेंस है इतना लोगों में कि बैठ के आराम से ध्रुपद सुने? बिल्कुल बिल्कुल है, ये मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता हूं कि लोगों में पेशेंस नहीं है। आप आज की जो हमारी जो सांस्कृतिक जगत है, जो हमारे देश का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ध्रुपद के पहले से ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं, है ना, ध्रुपद के पहले से ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। और उसी पारंपरिक जो हमारे यहाँ परंपरा जैसी चली आ रही, उसी परंपरा के साथ उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, हमने खुद ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन जहां तक कट शॉट का सवाल है, वो बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि परसों ही शिवरात्रि थी और हम लोग बनारस गाने को गए, तो बनारस में लगभग 1 घंटा हम लोगों ने आलाप किया, तो लोगों ने बैठ के आराम से सुना, और रात के 12 बजे हम लोग शुरू किए गाना और रात के 1:15 बजे तक 1:15 बजे तक हम लोग गाए, लोग उसी तल्लीनता से सुना उन लोगों ने, और हमको भी बड़ा मजा आया गा करके। शिवरात्रि का समय था और रात का वो जो है समा बहुत ही, और गंगा का किनारा था, तो क्या कहने। तो ये जो बात है, ये अक्सर हम लोगों को कहा जा रहा है कि क्या इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, क्या इसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा जो ट्रेडिशन है उसको आज इंडिया में तो उसको रिकॉग्निशन मिल ही रहा है, विदेशों में भी उसको एज इट इज रिकॉग्निशन मिल रहा है, बल्कि ज्यादा मिल रहा है, पहले से ज्यादा मिल रहा है। आज हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सुनने वालों की संख्या भी बढ़ी है, आयोजनों की संख्या भी बढ़ी है, आयोजनों में ध्रुपद गायकों की शिरकत भी बढ़ी है, तो हर दृष्टि से इजाफा हो रहा है। ये इजाफा नहीं होता अगर ध्रुपद में अगर वो ताकत नहीं होती, उसमें अगर वो सस्टेन पावर नहीं होता, तो ये बिल्कुल उस ये बात नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे कि हर जगह हर तरफ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सुनने वालों की संख्या बढ़ रही है, सीखने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज इतने सारे युवा ध्रुपद की ओर आकृष्ट हैं, वो कर रहे हैं। मेरे अपने यहाँ जो है ध्रुपद गुरुकुल में, हमारे अपने ध्रुपद संस्थान में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, सारे लोग अपने अपने कामों को छोड़ करके यंग बच्चे वो ध्रुपद सीख रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं। तो ध्रुपद का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी इसको उसी शिद्दत के साथ करेगी। और हमने एक और बात देखी कि जब से ये कोविड फैलना चालू हुआ और लोग अपने घर में बंद होने लगे, तो उस समय में भी कहीं सारे लोगों ने इस बात को रियलाइज किया, इस बात को समझा कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय विधाएं हैं, उनमें भले ही आदमी प्रोफेशनली ना करे, मगर उसके प्रति उन लोग की सजगता और बड़ी है, उसको अप्रिशिएट करने की ताकत और बड़ी है। तो इसी कंटिन्यूएशन में एक सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप नई पीढ़ी के कलाकार हैं, आप देख रहे होंगे कि आज
आजकल क्लासिकल म्यूजिक में भी तमाम तरह की जैमिंग हो रही है, जुगलबंदियां हो रही हैं, खूब सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आपको लगता है कि आप उन एक्सपेरिमेंट से खुद को दूर रखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, जहां पर जरूरत होगी वहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जुगलबंदी भी करेंगे, लेकिन आधार उसका ध्रुपद ही होगा? आप कैसे देखते हैं इस कला? जी, मेरी जो सांकेतिक समझ है मैं उसको ध्रुपद के ही क्षेत्र में अपने आप को सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मैं ध्रुपद की दृष्टि से ही बाकी सारे संगीत को भी सुनने की आदत एक तरीके से वो तैयार हो गई है। तो ऐसा कोई परहेज तो मुझे नहीं लगता है कोई दूसरी विधा से कोलैबोरेट करने में, इंटरैक्ट करने में, मगर जब तक दोनों ही विधाओं की इंटेग्रिटी मेंटेन हो सके, दोनों ही विधाओं के कलाकार उन दोनों का एक दूसरे की कला को समझ पाए, उस गंभीरता को मेंटेन कर पाए, तो तब तक मेरे ख्याल से कोई कोलैबोरेशन करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई योग नहीं बना, मगर भविष्य में देखा जाए आगे। और देखिए, हम लोगों ने तो कई प्रयोग किए हैं और अभी इनके लिए तो शुरुआत है, पर हम लोगों ने कई कई प्रयोग किए हैं और हमने प्रयोग इस तरीके से किए हैं कि ध्रुपद का स्वरूप न बिगड़े। ध्रुपद के स्वरूप को कायम रखते हुए हमने दूसरे अनुशासनों के साथ प्रयोग किए हैं, जैसे कथक हुआ, है ना, जैसे कि जिसको बोलेंगे मॉडर्न डांस, है ना, कंटेम्परेरी डांस, उसके साथ प्रयोग किया। हमने जो हमारे यहाँ जो शब्द गाए जाते हैं गुरुद्वारों में, वो हमने ध्रुपद स्टाइल में गाए। नई नई कविताएं, जैसा मैंने अभी बताया, मध्ययुगीन जो हमारे कवि हुए हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, उनकी कविताओं को उनसे लेकर के आधुनिक समय निराला जी तक, जयशंकर प्रसाद हुए, निराला हुए, महादेव वर्मा हुए, इनकी कविताएं भी हमने कंपोज किए और ध्रुपद शैली में गाया है। इसके अलावा जैसे कविता पाठ के बीच में आलाप चले और फिर कवि अपने कविता अपनी अपनी आवाज में कविता पाठ करे, फिर उनका इंटरव्यू, इस तरीके के भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं। राजेश जोशी जी हमारे यहाँ के बहुत बड़े कवि हैं, उनके साथ भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। और में भी बैकग्राउंड म्यूजिक में नर्मदा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उस फिल्म में भी बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी तरह ध्रुपद पर दिया था। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था रागा ऑफ रिवर नर्मदा, जिसको कि रजत कमल पुरस्कार मिलना था म्यूजिक के लिए, राजीव जांगले जी द्वारा वो निर्देशित थी जी। तो ये ऐसे कई प्रयोग हम लोगों ने किए हैं और हमें खुशी है कि हमने ये प्रयोग ध्रुपद के स्वरूप को बिना बिगाड़े उनके साथ हमने ये काम किया और लोगों ने पसंद किया। और हम ऐसा मानते हैं कि कला का अपने समय की दूसरी कलाओं के साथ उसका इंटरेक्शन होना चाहिए। संगीत थोड़ा सा और हो जाए पंडित जी? जी जरूर जरूर। देखिए, ये एक बंदिश है राग जोग में, जो रेयर ताल में है, यानी 11 मात्रे में है, और रुद्र ताल है 11 मात्रे की। ये एक प्रकार से दुर्लभ ताल है, रेयर ताल है। तो इसमें हम लोगों ने कंपोजिशन बनाया है, तो ये आपको सुनाते हैं राग जोग। No,
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।